आइटम्स एंड फ्रेज में हम देखते हैं बी वाले जो आइटम्स एंड फ्रेज हैं, जैसे कि बाई हुक और बाई क्रुक, यानी बाई वन मीन्स और अनादर, यानी एक तरीके से, यानी तो या तो एक तरीके से काम होगा या दूसरे तरीके से काम होगा। बाई हुक और बाई क्रुक, यानी बाई वन मीन्स और अनादर। ही इज डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हिज क्लास बाई हुक और बाई क्रुक, यानी वो क्लास में फर्स्ट डिवीजन आना चाहता है, चाहे वो बाई हुक आए चाहे वो बाई क्रुक आए, या तो एक तरीके से आए दूसरे तरीके से आए, या शांति से आए या झगड़ा करके आए, या तो मेहनत करके आए या चीटिंग करके आए, उसको क्या है फर्स्ट डिवीजन आना है, इसका मतलब बाई हुक और बाई क्रुक है। नेक्स्ट हम देखें, वियर दी ब्रंट ऑफ मतलब टू वियर दी मेन शॉक ऑफ, टू वियर दी मेन शॉक ऑफ, उसके लिए हम यूज करेंगे बियर दी ब्रंट ऑफ, यानी दी पुअर हैव टू बियर दी ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस, यानी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो गरीब है वो वियर दी ब्रंट ऑफ है, यानी कि हम कह सकते हैं जो मेन शॉक है उसी को वो फॉलो कर रहा है, उसी को वो पहन रहा है, उसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है। नेक्स्ट हम देखें, वेल्दी कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला काम हो गया वेल्दी कैट, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, यानी अपनी रिस्क पर, अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधना है तो अपनी रिस्क पर आपको काम करना होगा, अपनी रिस्क पर आपको फर्स्ट स्टेप लेनी होगी, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। मैनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ दियर ब्रेवरी बट वेरी फ्यू कैन वेल दी कैट, यानी बहुत सारे लोग हैं बहादुरी के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं वही बिल्ली के गले में घंटी बांध सकते हैं, वेल दी कैट कर सकते हैं, यानी घंटी बांध सकते हैं। तो पर्सनल रिस्क लेना फर्स्ट स्टेप लेने के लिए, वहां पर हम यूज करेंगे वेल दी कैट। फिर है विड डिफाइंस, विड डिफाइंस का होता है, विड डिफाइंस होता है इग्नोर करना, टू इग्नोर, विड डिफाइंस मतलब टू इग्नोर करना। रोहन बेड डिफाइंस, तो ये बेड डिफाइंस है, बेड डिफाइंस है वो आप देख लेना। रोहन बेड डिफाइंस टू हिज फादर विश ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर एंड इंस्टीड टू बिकम एन इंजीनियर, यानी हम कह सकते हैं कि उसके पापा हैं, रोहन के पापा चाहते थे कि उनका बेटा जो है इंजीनियर बने, लेकिन वो अपने पापा की इच्छा को पूरी ना करके वो डॉक्टर बना, यानी उन्होंने अपने पापा की इच्छा को इग्नोर किया, तो विड डिफाइंस मतलब कि इग्नोर करना हो गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, ब्लो वंस ट्रम्पले ट्रम्प्ड ट्रम्पेट, तो ब्लो वंस ट्रम्पेट क्या होता है, टू प्रेज वन सेल्फ, यानी खुद को शाबाशी देना। ब्लो वंस, जहां पर भी वंस आएगा खुद के लिए बात हो रही है यहाँ पर, ब्लो वंस ट्रम्पेट यानी खुद को शाबाशी देना, टू प्रेज वन सेल्फ। नो वन लाइक टू टॉक टू दोज हु आर ऑलवेज ब्लोइंग दियर आउंस ट्रम्पेट, यानी उन लोगों से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है जो लोग खुद को शाबाशी देते रहते हैं, अपने आप को शाबाशी देते रहते हैं, अपने आप की प्रशंसा करते रहते हैं, उनको लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। टू प्रेज वन सेल्फ यानी ब्लो वंस ट्रम्पेट। नेक्स्ट हम देखें, ब्रेक दी न्यूज, यानी न्यूज को ब्रेक करना, इसका मतलब टू गिव बैड न्यूज, अगर न्यूज को ब्रेक कर रहा है, न्यूज को तोड़ रहा है, इसका मतलब बैड न्यूज दे रहा है, बैड न्यूज बुरा समाचार देने वाला है, तो वहां पर यूज करेंगे टू गिव बैड न्यूज। ही ब्रोक द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ वेरी जेंटली सो एज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द शॉक, यानी उसने उसके हस्बैंड की जो डेथ हुई है उसके बारे में न्यूज दी, बुरा न्यूज दिया, और इतने आसानी से उसने न्यूज दिया, जेंटली उसने न्यूज दिया ताकि सुनने वाला है वो शॉक में हो जाए या शॉक पड़ जाए। तो ब्रेक द न्यूज का मतलब है बैड न्यूज देना। फिर है वर्न ए होल इन वंस पॉकेट, यानी खुद की पॉकेट में क्या छेद कर रहा है जला करके, तो ये क्या होगा, मनी स्पेंड क्विकली, यानी अपने जो पैसे हैं पर फटाफट से खर्च कर देता है, उसके लिए यूज करते हैं वर्न ए होल इन वंस पॉकेट, यानी खुद के ही पॉकेट में छेद कर रहा है, जला करके छेद कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है। इसके लिए सेंटेंस क्या होगा, मनी गिवन टू स्पेंड थ्रिफ्ट ओनली वंस ए होल इन हिज पॉकेट, यानी फालतू खर्चों के लिए जो मनी दिया जाता है, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब फालतू खर्चा हो गया, तो
तो मनी जो फालतू खर्चों के लिए दिया जाता है उसका मतलब है कि आप अपनी ही जेब में छेद कर रहे हैं, आप अपने पैसे फटाफट से खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है बरी दी हैचिट। बरी दी हैचिट का मतलब क्या होता है? बरी दी हैचिट मीन्स होता है टू मेक पीस, यानी शांति बनाना। बरी दी हैचिट यानी बरी करना, चिंता करना, हैचिट के बारे में, हेड के बारे में चिंता करना, मतलब एक तरीके से शांति बनाना। बरी दी हैचिट मतलब टू मेक पीस, शांति बनाना। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी दी हैचिट टू ब्रिंग अबाउट पीस टू दी रीजन्स, यानी अपने जो क्षेत्र हैं वहाँ पर शांति लाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान को बरी दी हैचिट करना पड़ेगा, यानी कि शांति बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है वी साइड वन सेल्फ, यानी अपनी तरफ, टू फील एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा महसूस करना, उसके लिए यूज करते हैं वी साइड्स वन सेल्फ, यानी अपनी तरफ ही हो गया एक तरीके से, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखना, उसके लिए हम भी कर सकते हैं फील एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा फीलिंग फील करना। ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वाज बिसाइड हिमसेल्फ विथ ग्रीफ, यानी उसकी पत्नी की डेथ हो गई एक्सीडेंट की वजह से, तो इसकी वजह से उसे क्या है, बिसाइड हिमसेल्फ या विथ ग्रीफ, बहुत ही दुख महसूस हुआ उसको, वो फील कर रहा है बहुत ही एक्सेसिवली, वो फील कर रहा है उस दुख को, उसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है बिसाइड वन सेल्फ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास में बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब है रिलेशंस को खराब करना, बेटर रिलेशंस यानी रिलेशंस में दरार डालना, उसके लिए यूज किया गया बैड बैड ब्लड, बेटर रिलेशंस। दी रायट्स हैव क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन दी टू कम्युनिटीज इन इंडिया, यानी इंडिया के जो टू कम्युनिटीज है, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, या इस तरीके से जो दो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में रायट्स ने बैड ब्लड क्रिएट किया है, यानी रिलेशंस को ख़राब किया है, बेटर रिलेशंस। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली, यानी बुरी तरीके से हराना, उस तरीके से भी करते सकते हैं, बुरी तरीके से पराजय, वहाँ पर यूज करते हैं ब्लैक एंड ब्लू, मतलब टू बीट मर्सीलेसली। द थीफ वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द पुलिस, तो जो चोर है वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा है पुलिस ने, क्योंकि चोर ने चोरी की है, तो उसकी वजह से पुलिस ने चोर को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है, यानी ब्लैक एंड ब्लू तरीके से मारा है, टू बीट मर्सीलेसली, यानी कोई भी दया की भावना नहीं, उस तरीके से मारा है। नेक्स्ट देखें बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब है टू टॉक इन द राउंड अबाउट मैटर, यानी कोई भी मामला होता है उसके चारों तरफ बात करना, मेन मुद्दे की बात ना करके उसके आसपास की बात करना, उसे कहते हैं बीट अबाउट द बुश, यानी कि कोई भी मैटर है उसके राउंड राउंड बात करना। वी शुड ऑलवेज कम्स टू द पॉइंट एंड शुड नॉट बीट अबाउट द बुश, यानी हमें डायरेक्ट मुद्दे पर आना चाहिए, मुद्दे की बात करनी चाहिए, मुद्दे के आसपास हमें भटकना नहीं चाहिए, यानी जो मामला है उसके आसपास हमें हम भटकना नहीं चाहिए, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ मुद्दे की बात करनी चाहिए, टू टॉक इन द राउंड अबाउट द मैटर। नेक्स्ट है बीट द एयर, यानी एयर को आप बीट कर रहे हैं, इसका मतलब टू मेक यूजलेस एफर्ट, क्योंकि आप एयर को तो बीट कर नहीं सकते, तो आप यूजलेस एफर्ट कर रहे हैं, यानी कि ऐसा एफर्ट लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं निकलने वाला है, उसके लिए यूज किया गया है बीट द एयर, मतलब टू मेक यूजलेस एफर्ट। सम स्पीकर्स मेयरली बीट द एयर इन स्पीच वाइल प्रीचिंग, यानी कि कुछ स्पीकर्स जो होते हैं, जो वक्ता होते हैं, वो जब भाषण देते हैं तो उस समय वो अपने भाषण में यूजलेस एफर्ट लगाते हैं, मेयरली बीट द एयर यानी यूजलेस एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि आवाज़ है वो तो स्पीकर हैं, वो एम्पलीफाई करने वाले हैं, उनकी आवाज़ है वो वैसे ही ज़्यादा जाने वाली है, लेकिन वो विदाउट यूजलेस एफर्ट लगाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, तो बीट द एयर का मतलब है यूजलेस एफर्ट। नेक्स्ट है बिल्ड कैसल इन द एयर, यानी एयर में कैसल बिल्ड करना, मतलब क्या हो गया, बिल्ड द कैसल इन द एयर मतलब टू मेक विजनरी स्कीम, विजनरी स्कीम बनाना, उसके हम यूज करते हैं बिल्ड द कैसल इन द एयर, यानी मैनी पीपल हु लिव इन द ड्रीम, जो लोग सपनों में जीते हैं, बिल्ड द कैसल इन द एयर एंड डोंट सक्सीड इन लाइफ, वो क्या है, सिर्फ एयर में ही
कैसल बिल्डअप करते हैं वो अपने जीवन में सक्सेस नहीं होते हैं, उनके लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब है टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रिलोंग साइलेंस, यानी बहुत ज़्यादा देर तक साइलेंस रहने के बाद में पहली बार बोलना, उसके बोलते हैं ब्रेक द आइस, यानी चुप्पी तोड़ी, उसको हम भी बोल सकते हैं ब्रेक द आइस। टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रिलोंग्ड साइलेंस। इन द मीटिंग राजेश ब्रोक द आइस एंड सजेस्टेड द प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी मीटिंग के अंदर राजेश ने अपना चुप्पी तोड़ दिया है, ब्रेक द आइस किया है और एक प्लान सजेस्ट किया है ताकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। नेक्स्ट हम देखें ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब है टू पनिश और टू कॉल टू अकाउंट, यानी जिम्मेदारी के लिए बुलाना किसी को, उसके लिए यूज करते हैं ब्रिंग टू बुक, या पनिश करने के लिए भी बुलाना उसके लिए यूज करते हैं ब्रिंग टू बुक। जैसे दी मैनेजर वाज बॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस, मैनेजर को उसके नेग्लिजेंस की वजह से ब्रॉड टू बुक किया गया है, यानी ब्रिंग टू बुक किया गया है। नेक्स्ट हम देखें ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब है मर जाना, टू डाई, यानी मर जाना। ही ब्रीथ हिज लास्ट इन दी प्राइम ऑफ हिज लाइफ, यानी अपने जो उसका लाइफ का जीवन का प्राइम क्षण चल रहा था उसमें उसने जीवन की अंतिम सांस ली है। ब्रीथ हिज लास्ट यानी ब्रीथ वंस लास्ट मतलब खुद का अंतिम सांस लेना, टू डाई मतलब मर जाना हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है आप है बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस मतलब वाई अनफेयर मीन्स, यानी इस ऐसा तरीका जो इलीगल हो, अनफेयर हो, फेयर नहीं हो, उसके लिए यूज करते हैं बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, यानी पीछे की जो सीढ़ियों में इन्फ्लुएंस करना वही वही बात होगी, फ्रंट सीढ़ियों पर नहीं कर रहा है, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस हो रहा है। दिस डे मैनी पर्सन्स आर गिवन गुड पोस्ट थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, यानी आजकल के दिनों में बहुत सारे लोग हैं अच्छी पोस्ट दे रहे हैं, किसके द्वारा, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस के द्वारा, यानी अनफेयर मीन्स के द्वारा अच्छी पोस्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स आई व्यू, यानी पक्षियों की आंख से देखना हो गया, मतलब कौन साइज व्यू, मतलब बहुत ही छोटी बारीकी से देखना हो उसके बोलते हैं कौन साइज व्यू, वर्ड्स आई व्यू। वी हैड ए वर्ड्स आई व्यू ऑन द हॉल फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ गेंट व्हील, यानी गेंट व्हील के टॉप से हम जो पूरा मेला है उसको वर्ड्स आई व्यू के रूप में देख रहे हैं, इसका मतलब कौन सा व्यू हम उसका देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें वॉल्ट फ्रॉम द व्यू ब्लू। वॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, वॉल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है सडन और अनएक्सपेक्टेड जो शॉक लगता है उसे हम बोलते हैं वॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी ब्लू से वॉल्ट लग गया एक तरीके से, झटका लग गया ब्लू से ही, तो ब्लू से कोई झटका नहीं लगता है वैसे, तो वॉल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक लग जाता है आपको। दी न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ इन दी एयर क्रैश कम्स टू हर एज ए बॉल्ट फ्रॉम दी ब्लू, यानी एयर क्रैश में उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके पति का मृत्यु हो गया, उस न्यूज की वजह से उसको क्या है बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू हो गया, यानी अनएक्सपेक्टेड शॉक लग गया, सडन शॉक लग गया। नेक्स्ट हम देखें वन वंस बोट, यानी खुद की बोट को जलाना, खुद की बोट जलाना मतलब अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कुछ भी आपको वापस नहीं मिलने वाला है। वन वंस वोट यानी खुद की वोट पे जला दिया तो क्या रिटर्न मिलेगा, कुछ नहीं रिटर्न मिलेगा, तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वी हैड बर्न, तो वी हैड बर्न आवर बोट्स बाई डिक्लेयरिंग दैट वी वर नॉट गोइंग टू साइन सीटीबीटी, यानी हम सीटीबीटी पर साइन नहीं करेंगे, तो इसमें क्या है हमने अपनी ही बोट को जला लिया है, इसका मतलब हमने कोई भी हमें रिटर्न इससे नहीं चाहिए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कोई भी रिटर्न हमें नहीं चाहिए उससे, कोई कुछ भी वापस हमें नहीं चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं वर्न्ट आउट बोट या वर्न आउंस बोट हो गया। नेक्स्ट हम देखें वाई दी वाई। वाई दी वाई का मतलब वाई दी वे, वाई दी मतलब कोई दूसरा तरीका बता रहा है वो, वाई दी वे व्हाट इज योर एज, वाई दी में मतलब नॉर्मल हम कहते हैं वाई दी वे आपका एज क्या है, तो वाई दी वे मतलब वाई दी वे कौन से रास्ते से, कौन सा तरीका है, मतलब पूछने का एक तरीका हो गया वाई दी वे, वाई दी वाई मतलब वाई दी वे। नेक्स्ट हम देखें बी अप टू। बी अप टू मतलब टू बी इक्वल टू, यानी किसी के समान होने के लिए हम यूज करते हैं बी अप टू,
या टू बी इक्वल टू, टू बी इक्वल टू बी अप टू, ही इज अप टू ऑल द ट्रिक्स ऑफ ट्रेड टू ग्रिंड हिज ऑन एक्स, यानी उसने सारी जो योजनाएं हैं वो सारी ट्रिक्स लगा ली हैं, अप टू ऑल द ट्रिक्स, बी अप टू मतलब वी इक्वल टू, तो ही इज अप टू ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू ग्रैंड हिज एक्स, तो उसने सारी ट्रिक हैं यहाँ पर लगा दी हैं, तो टू बी इक्वल टू हो गया। नेक्स्ट है वेटेड ब्रेथ, वेटेड ब्रेथ का मतलब है इन एक्साइटी और एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि सांस के लिए इंतजार करना, वेट करना, इसका मतलब हो गया हम उतावले हैं किस चीज़ के लिए। इन एनेक्सिटी या एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी मतलब हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से, उसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम तो उसके लिए यहाँ पर ही यूज किया गया है। ब्रीथ, वेटेड ब्रीथ मतलब इन एक्स एन इन एनेक्सिटी और एक्सपेक्टेंसी। दी फेट ऑफ दी मैच हंग इन बैलेंस एंड एवरीबॉडी वेटेड फॉर दी रिजल्ट विथ वेटेड ब्रीथ। तो मैच है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फेट, वो भाग्य पर डिपेंड कर रहा है और बैलेंस में लटका हुआ है। एवरीबॉडी वेटेड फॉर द रिजल्ट विथ वेटेड ब्रेथ, यानी हर कोई है रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, मैच की रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, वो उस तरीके से मैच फंसा हुआ है, तो उसमें हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेंसी कर रहा है, कोई उतावला है उस रिजल्ट को जानने के लिए, एनेक्सिटी है उसके लिए किया गया है। फिर है बैंडी वर्ड्स, बैंडी वर्ड्स मतलब होता है टू व्रांगल और टू आर्ग्यू, आर्ग्यू करना, बैंडी वर्ड्स मतलब आर्ग्यू करते हैं किसी चीज़ के लिए, उसके लिए किया गया है बैंडी वर्ड्स, और टू ब्रेंगल। ओविडेंट चिल्ड्रन डू नॉट बैंडी वर्ड विथ दियर पेरेंट्स व्हेन दे आर एडवाइज, जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, ओविडेंट जो बच्चे होते हैं वो बैंडी वर्ड होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, जब उनको एडवाइस दिया जाता है, जब उनको सलाह दिया जाता है, तो वो मतलब आर्ग्यू नहीं करते हैं, डू नॉट बैंडी वर्ड यानी वो आर्ग्यू नहीं करते हैं, जो भी उनको एडवाइस दिया जाता है उसका वो पालन करते हैं, जो भी आज्ञाकारी जो बच्चे होते हैं वो तुरंत उसका पालन करते हैं। नेक्स्ट हम देखें वी इन वंस बोनट, वी इन वंस बोनट का मतलब है टू बी फजी, मतलब कि एक तरीके से फंसा हुआ हम बोल सकते हैं, जिसका पजल का सॉल्व नहीं हो उसके लिए बोलते हैं फजी, वी इन वंस बोनट। तो शी सीम्स टू हैव वी इन हर बोनट बिकॉज शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ अदर्स, तो वो हमेशा फजी रहता है, फजी मतलब कि हम कह सकते हैं क्योंकि वो हमेशा दूसरों की गलतियां निकालता रहता है और दूसरों की जो प्रॉब्लम है, जो भी सेंटेंस हैं, जो भी गलतियां हैं उनको भी वो निकालने की कोशिश करता रहता है, तो वहाँ पर ये यूज किया गया है। तो टू बी फजी, जैसे कि शी सीम्स टू हैव बीन हर बोनट बिकॉज शी ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट इन विथ अदर्स, तो वो हमेशा दूसरों की गलतियाँ फॉल्ट ही निकालता रहता है, देखता रहता है, उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे वी इन वंस बोनट। नेक्स्ट देखें वाइट दी डस्ट, फजी मतलब एक तरीके से उधम मचाना भी हो गया, हम एक बोल सकते हैं उधम मचाता है, वो भी हम कह सकते हैं। अब फिर है वाइट दी डस्ट, वाइट दी डस्ट का मतलब है और डस्ट कोई काट रहा है, धूल कोई काट रहा है, तो मतलब हार जाना, टू बी डिफीटेड, धूल चाट रहा है मतलब वाइट दी डस्ट, टू बी डिफीटेड हार जाना। पाकिस्तान हैड टू वाइट दी डस्ट इन दी फाइनल ऑफ दी वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप का जो फाइनल चल रहा था, फाइनल मैच, उसमें पाकिस्तान है वो हार गया है, तो उसके लिए यूज किया गया है टू वाइट दी डस्ट। नेक्स्ट हम देखें ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब एजुकेटेड बट पेंडेमिक लेडी, यहाँ पर हम बोल सकते हैं पेडांटिक लेडी, यानी एजुकेटेड तो है लेकिन पेडांटिक लेडी है, यानी शिक्षित है लेकिन पेडांटिक है, मतलब पंडिताई वाला काम वो करती है, एजुकेटेड है लेकिन पंडिताई वाला काम करती है, पेडांताई, पंडिताओ या पंडाते यहाँ पर बोल सकते हैं पेडांतिक लेडी। नोबडी लाइक्स टू मिक्स विथ हर बिकॉज शी इज ब्लू स्टॉकिंग,
कोई भी व्यक्ति है उसको पसंद नहीं करता है, कोई भी उसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो क्या करती है, एजुकेटेड तो है, शिक्षित तो है, लेकिन वो पंडिताई ज्यादा करती है, ब्लू स्टॉकिंग है। नेक्स्ट हम देखें बुक वॉर्म है। बुक वॉर्म मतलब ए पर्सन इन दी हैबिट ऑफ पोरिंग ओवर बुक्स, मतलब किताबी कीड़ा हम बोल सकते हैं बुक वॉर्म का, हमेशा किताबें पढ़ता रहता है, उसके लिए हम यूज करते हैं बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा, या इस तरीके की आदत डाल लेना कि हमेशा उसको किताब पढ़ने का शौक रहता है, उसके लिए बोलते हैं बुक वॉर्म। ए पर्सन इन दी हैबिट ऑफ पोरिंग ओवर बुक्स। ही हैज़ नो टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज बिकॉज ही इज ए बुक वॉर्म। उसके पास सोशल एक्टिविटीज के लिए कोई भी समय नहीं है, क्योंकि वो क्या है, बुक वॉर्म है, किताबी कीड़ा है। नेक्स्ट हम देखें ब्रिंग डाउन दी हाउस, यानी हाउस के नीचे लाना, तो हाउस को नीचे तो ला नहीं सकते, तो रिसीव एपालेज। एपालेज मतलब जो हम कह सकते हैं एपाला यूज हो गया एक तरीके से, अपोलाइज, वो अपोलाइज वर्ड वो होता है, उसके लिए यूज किया गया एपालाइज, मानी वाहवाही जो मिलती है उसके लिए यूज किया गया, प्रशंसा एक तरीके से हम बोल सकते हैं, प्रशंसा का ही रूप है। रिसीव अपोलाइज मतलब वाहवाही रिसीव करना। ब्रिंग डाउन दी हाउस मतलब घर को नीचे लाना, मतलब हम कह सकते हैं वाहवाही प्राप्त करना हो गया। थ्रू इट वॉज हिज मेडन स्पीच ही ब्रॉड डाउन दी हाउस बिकॉज ऑफ हिज ऑरेटरी स्किल, जो बोलने की जो स्किल है उसकी, उसकी वजह से वो ब्रिंग डाउन दी हाउस मतलब कि उसने वाहवाही प्राप्त की है। तो हम कह सकते हैं कि ऑरेटरी का मतलब क्या होता है, ऑरेटरी का मतलब होता है व्यक्तित्व, जो उसका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व की जो स्किल है, उसके बोलने की जो स्किल है, जो उसके इस बोलने का स्पीच का जो ढंग है, उसकी वजह से उसने अपोलाइज प्राप्त किया है, वाहवाही प्राप्त किया है, यानी कि वो अपने घर को नीचे ले आया, ब्रिंग डाउन दी हाउस। नेक्स्ट हम देखें ब्रोवीट। ब्रोवीट का मतलब क्या होता है, ब्रोवीट एक तरीके से टू वली, वली का मतलब क्या होगा, धमकाना, ब्रोवीट मतलब धमकाना, टू वली मतलब धमकाना। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन ऑलवेज ट्राइज टू ब्रोवीट द स्टूडेंट अपोज टू हिम। तो जो प्रेसिडेंट है कॉलेज यूनियन का, वो हमेशा जो भी स्टूडेंट उसके अपोज में जाते हैं उनको धमकाने की कोशिश करता है, उनको टू वली करने की कोशिश करता है, ब्रोवीट करने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है बैड एग। बैड एग मतलब कि वर्थलेस, उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं वर्थलेस। वर्थलेस मतलब कि जो होगा हमारा नालायक, एक तरीके से हम बोल सकते हैं नालायक, कोई भी काम का नहीं है, बैड एग। ही कम्स टू दी नोबल फैमिली बट ही हिमसेल्फ इज ए बैड एग, यानी वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन वो खुद है, वो बैड एग है, यानी नालायक है, खुद कुछ काम का नहीं है, वर्डलेस है, उसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है। नेक्स्ट है वी साइड दी मार्क। वी साइड दी मार्क मतलब कि इररिलीवेंट है, कोई मतलब नहीं है, इररिलीवेंट है, फिजूल की चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं है, उसके लिए यूज किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, बिसाइड दी मार्क मतलब इरेलीवेंट। नोबडी एग्रीड विथ हिम बिकॉज हिज आर्गूमेंट वर बिसाइड दी मार्क। कोई भी उसके साथ में एग्री नहीं होता है क्योंकि उसके जो आर्ग्यू हैं वो अप्रासंगिक हैं, कोई मतलब के नहीं, इरेलीवेंट है। नेक्स्ट हम देखें वंस वर्न आउंस फिंगर्स, यानी खुद की उंगलियां जलाना, यानी खुद की उंगलियां जलाना मतलब कि अपने आप को परेशानी में डालना, टू गेट इन टू ट्रेबल, अपने आप को परेशानी में डालना, वर्न वंस फिंगर मतलब अपने आप को परेशानी में डालना। दोज हु इंटरफेयर इन दी अफेयर ऑफ अदर्स, जो व्यक्ति दूसरे के कामों में दखल अंदाजी करता है, दूसरे के मामलों में टांग अड़ाता है, वो ऑफन बर्न दियर फिंगर, वो अपने आप को ही परेशानी में डाल लेता है। नेक्स्ट हम देखें ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब है दिन में सपने देखना, इस तरीके की स्टडी करना कि दिन में भी उसको सपने दिखते हैं, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं रिवेरी। रिवेरी भी एक तरीके से माया होता है, माया, दिन में भी सपने देखता है, ब्राउन स्टडी मतलब रिवेरी, माया वाला काम हो गया, वो माया वाला काम। ही कुड नॉट फॉलो दी सिग्निफिकेंस ऑफ माई ऑफर, यानी वो मेरे ऑफर का सिग्निफिकेंस नहीं समझ रहा है, ही हैज इन ब्राउन ब्राउन स्टडी, वो क्या है, ब्राउन स्टडी में है, दिन में भी सपने देख रहा है।
तो वो मेरे ऑफर का सिग्निफिकेंस है, वो नहीं समझ पा रहा है। फिर है बैंक ऑन, बैंक ऑन का मतलब है डिपेंड ऑन या काउंट ऑन, जो किसी पर डिपेंड होते हैं उसके लिए यूज करते हैं बैंक ऑन। द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट थिंग्स डन, तो हमेशा जो अमीर लोग हैं वो मनी पर डिपेंड करते हैं, बैंक ऑन मनी, मनी पर डिपेंड करते हैं, जो भी चीज़ें करनी होती हैं उनको चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो मनी पर डिपेंड रहते हैं, जो भी अमीर लोग होते हैं, डिपेंड ऑन या काउंट ऑन कह सकते हैं। फिर है ब्लेज दी ट्रेल, ब्लेज दी ट्रेल का मतलब होता है टू स्टार्ट ए मूवमेंट, यानी कोई मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लेज दी ट्रेल। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्लेज दी ट्रेल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया था, तो ब्लेज दी ट्रेल मतलब स्टार्ट करना, स्टार्ट दी मूवमेंट। नेक्स्ट है बुल इन ए चाइना शॉप, तो चाइना शॉप में सांड घुस गया, इसका मतलब वन हु कॉज डैमेज, यानी जो डैमेज करता है, क्योंकि चाइना शॉप में सांड घुस गया तो डैमेज ही करेगा वो, सीधी सी बात है, तो जो डैमेज करता है उसके लिए यूज करते हैं बल इन चाइना शॉप। जैसे मोस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैव प्रूवर्ड वेल इन द चाइना शॉप, जो ज़्यादातर जो लीडर हैं फ्रीडम स्ट्रगल के वो और डैमेज का कारण बने, मतलब कि उनकी वजह से डैमेज हुआ, कॉस्को का जो अंग्रेज थे उनको डैमेज हुआ, तो मोस्ट ऑफ द लीडर हैं फ्रीडम स्ट्रगल के वो प्रूव किए गए वेल इन द चाइना शॉप, मतलब उनकी वजह से डैमेज हुआ है, जो अंग्रेज सरकार उनको डैमेज हुआ है, ऐसा उन्होंने माना था। नेक्स्ट हम देखें वाई द रूल ऑफ थंब, बाई द रूल ऑफ थंब का मतलब है अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल चीज़ों पर चलना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बातें करना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर सोचना, उसके लिए यूज करते हैं बाई द रूल ऑफ थंब। जैसे इन ओल्डर टाइम्स, इन ओल्डर टाइम्स बिजनेस वाज रन बाई द रूल ऑफ थंब, जैसे ही बिजनेस बड़ा हो जाता है तो बिजनेस है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चलने लगता है, बाई द रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग चलने लगता है। फिर है बिग ड्रा, बिग ड्रा का मतलब है एक हुज अट्रैक्शन अपन करते हैं, बहुत बड़ा अट्रैक्शन जो रहता है, आकर्षण जो रहता है, उसके लिए यूज करते हैं बिग ड्रॉ, जैसे लकी ड्रॉ होता है बिग ड्रॉ, उसके लिए यूज कर सकते हैं। द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑलवेज ए बिग ड्रॉ, तो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच है वो हमेशा बिग ड्रॉ का काम करता है, यानी बहुत बड़ा अट्रैक्शन का काम करता है। फिर है ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड का मतलब है सपोर्ट दैट फेल्ड, इस तरीके का सपोर्ट जो फेल हो गया उसके लिए यूज करते हैं ब्रोकन रीड, ऐसा सपोर्ट जिसकी वजह से फेल हो गया ब्रोकन रीड, मतलब When he needed help, his friend proven a broken reed. तो जब वो उसको जरूरत थी, when he needed help, जब उसको जरूरत थी तो उसका जो दोस्त है वो broken reed prove हुआ, यानी कि support है वो fail हो गया जब उसको जरूरत थी, तो broken reed मतलब support ऐसा जो fail हो गया वो, या support नहीं दे पा रहा उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाई दी स्किन ऑफ टीथ, यानी दांत का भी खाल देखना, इसका मतलब नैरोली, बहुत ही बारीक किसी चीज़ों को देखना, उसके लिए करते हैं वाई दी स्किन ऑफ टीथ, जैसे बाल की खाल देखने के बराबर ही हो गया, हिंदी में जैसे बाल की खाल होता है वैसे ही यहाँ पर इंग्लिश में स्किन ऑफ द टीथ हो गया नैरोली। ही एस्केप्ड डेथ इन द एक्सीडेंट बाई द स्किन ऑफ टीथ, यानी वो एक्सीडेंट में मौत से इस तरीके से बच गया जैसे कि स्किन ऑफ टीथ, यानी बहुत ही बारीक किसी को बच गया है मौत से, एक्सीडेंट हुआ है उसका लेकिन वो मौत से बहुत ही बारीकी से बच गया है। नेक्स्ट है बॉन ऑफ कंटेंशन, बॉन ऑफ कंटेंशन का मतलब है कि झगड़े का जो कारण होता है, कंटेंशन का बॉन, कंटेंशन की जड़ मतलब झगड़े का कारण। नेक्स्ट हम देखें इसका मतलब क्या है, सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस कश्मीर प्रॉब्लम हैज बीन बॉन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हालांकि इंडिया ने आज़ादी प्राप्त कर ली है लेकिन कश्मीर है वो बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो अभी तो कोई इश्यू नहीं है, कश्मीर में इश्यू रहता ही रहता है लेकिन अभी कश्मीर है भारत का हिस्सा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी कि वो झगड़े का कारण है। नेक्स्ट हम देखें विट और पीस ऑफ वंस माइंड, यानी एक के आदमी का छोटा टुकड़ा होता है उसके लिए किया गया है टू स्कॉल्ड, तो हम कह सकते हैं टू विट और पीस ऑफ वंस माइंड, यानी किसी के दिमाग का एक टुकड़ा उसके लिए यूज करना, मतलब उसको डांटना, जैसे डांटते हैं झाड़ते हैं कोई गलती करने पर डांटते हैं उसके लिए यूज कर गया टू पीस अ वंस माइंड, यानी टू स्कॉल्ड। माई फादर रॉट
टू माई ब्रदर गिविंग ए पीस ऑफ हिज माइंड अबाउट हिज इंसल्टिंग कंडक्ट। तो मेरे पिता ने मेरे भाई के बारे में लिखा है क्योंकि उसके इंसल्टिंग कंडक्ट की वजह से, उसके इंसल्टिंग बिहेवियर की वजह से उसको डांटा है। टू स्कॉल्ड उसको डांटा है, यानी बिट पीस ऑफ वंस माइंड। नेक्स्ट हम देखें वॉर्न विथ सिल्वर स्पून, यानी चांदी के दांत के साथ में बॉर्न होना, जन्म होना। टू बॉर्न इन रिच फैमिली, अब किसी का चांदी का दांत है इसका मतलब वो अमीर होगा, इसका मतलब उसका जन्म है रिच फैमिली में होगा, अमीर परिवार में होगा। बॉर्न विद दी सिल्वर स्पून मतलब टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली। माई फ्रेंड डज नॉट हैव टू वरी अबाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी एज सी इज बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन हज हर माउथ। तो मेरा दोस्त है, उसको जो पैसे खर्च करने के मामले में उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो जन्म है वो अमीर परिवार में हुआ है और उसका जो जन्म है वो विथ हिज सिल्वर स्पून उसका जन्म हुआ है, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। नेक्स्ट हम देखें वन कैंडल एट बोथ एंड, यानी कि जो मोमबत्ती है आप दोनों हाथों पर जला रहे हैं, इसका मतलब स्क्वेंडर है, स्क्वेंडर दोनों हाथों में मोमबत्ती जला रहे हैं मतलब स्क्वेंडर है। तो स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है? स्क्वेंडर एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई चीज़ को गवा देते हैं उसके लिए करते हैं, गवाना, कोई चीज़ हम गवा देते हैं हमारे हाथ से निकल जाती है उसके लिए करते हैं स्क्वेंडर, स्क्वेंडर। तो बर्न कैंडल एट बोथ एंड, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड्स। उसके पापा की मृत्यु होने के बाद में, उसके फादर की मृत्यु होने के बाद में वो अपने दोनों हाथों में क्या जला रहा है? वंडल जला रहा है, यानी कैंडल जला रहा है, इसका मतलब स्क्वेंडर हो गया, गवा दिया उन्होंने अपने पापा को। नेक्स्ट हम देखें वाई फिट्स एंड स्टार्ट, वाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब इरेगुलरली, नियमित रूप से काम नहीं कर रहा है, इरेगुलरली काम करता है, उसके लिए करते हैं वाई फिट्स एंड स्टार्ट। मतलब इफ़ वी स्टडी वाई फिट्स एंड स्टार्ट वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन आवर एग्जाम। अगर हम इरेगुलरली पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से स्टडी करते हैं, तो हम कभी भी अपनी एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। वी स्टडी वाई फिट्स एंड स्टार्ट वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन आवर एग्जाम। तो अगर हम इस तरीके से स्टडी करेंगे तो हम कभी भी एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखें बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ का मतलब है कि फोर्सफुली, बाई फोर्स ऑफ मतलब फोर्सफुली, आपको प्रेशर दे करके, आपको प्रेशराइज करके कोई काम कराया जा रहा है, उसके लिए यूज किया गया है वाई डिंट ऑफ, बाई फोर्स ऑफ। ही अचीव सक्सेस इन लाइफ बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क के दम पर या हार्ड वर्क करके उसने सक्सेस अपनी लाइफ में प्राप्त किया है, तो उसके लिए यूज किया गया है वाई डिंट ऑफ, मतलब बाई फोर्स ऑफ। ही अचीव सक्सेस इन लाइफ बाई डिंट ऑफ। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम में एक बार आप उसके फेवर में बोल रहे हैं, एक बार आप उसके पक्ष में बोल रहे हैं और एक बार आप उसके विपक्ष में बोल रहे हैं, यानी अपोनेंट में बोल रहे हैं, अपोजिट में बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हॉट और ठंडा काम भी कर रहे हैं और गर्म काम भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कह सकते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम। नेक्स्ट हम देखें वाई एंड वाई, वाई एंड वाई का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो कोई बढ़ता है उसके लिए कहते हैं वाई एंड वाई, ग्रेजुअली। जैसे ही इज रिकवरिंग वाई एंड वाई आफ्टर लॉन्ग इलनेस, जब बहुत लंबे समय तक बीमार रहा तो वो रिकवर हो रहा है, वाई एंड वाई मतलब ग्रेजुअली वो रिकवर हो रहा है। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक ब्लड, एरिस्टोक्रेटिक ब्लड मतलब जो माता पिता से आता है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एरिस्टोक्रेटिक ब्लड। इसका मतलब क्या है? अभिजात तंत्रीय जो ब्लड होता है उसके लिए यूज करते हैं ब्लू ब्लड, मतलब एरिस्टोक्रेटिक ब्लड। थ्रू माई फ्रेंड हैज ब्लू ब्लड येट हर कंडक्ट इज वेरी मीन एंड वल्गर, यानी कि मेरा जो दोस्त है उसका जो ब्लड है वो एरिस्टोक्रेटिक ब्लड है, यानी अभिजात तंत्रीय ब्लड है, फिर भी उसके जो कंडक्ट्स हैं वो वेरी मीन है और वल्गर हैं, मतलब बेकार है। बलगर का मतलब क्या होता है? बलगर मतलब बद्दा हो गया एक तरीके से, जो पसंद ना आए उस तरीके से हम कह सकते हैं बलगर, जो बद्दा वाला का हम कह सकते हैं।
अविष्ट वाला, जो शिष्ट ना हो उसके लिए यूज करते हैं बलगर। तो इस तरीके की वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सी सी रिलेटेड आइटम्स एंड फ्रेज़।